नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा, चार ने कटाई एनआर रशीद। डीएम प्रणब कुमार ने ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 10 अक्टूबर से शुरू होगा NH80 का मरम्मती कार्य। चुनाव को लेकर DIG सुजीत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। मद निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब बनाने के लिए मंगाई गई भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद, दो गिरफ्तार। और पुलिस की सख्ती के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद, बांस व्यवसायी को गोली मारकर लूटे रुपए। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुल्तानगंज विधानसभा से मंगलवार को दो प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। भागलपुर निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में भारतीय सब लोक पार्टी के उम्मीदवार रवि सुमन कुमार और रालोसपा के हिमांशु पटेल ने नॉमिनेशन कराया। इसके अलावा चार उम्मीदवारों ने भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए नजारत रसीद कटाई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी रामानंद पासवान, भारतीय पार्टी की वीना कुमार, कांग्रेस से ललन कुमार एवं निर्दलीय प्रत्याशी मधु प्रिया शामिल हैं। हम आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से शुरू नामांकन प्रक्रिया में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अब तक कुल 13 प्रत्याशी NR कटा चुके हैं। वहीं नामांकन काउंटर के इर्द गिर्द और समाहरणालय के बाहर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं एवं समाहरणालय परिसर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है ताकि निर्वाचन आयोग और COVID-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा सके। रिटर्निंग ऑफिसर सह DCLR गिरिजेश कुमार ने कहा कि आज सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के दो प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कराया। निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी 8 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में बना हेल्प डेस्क नॉमिनेशन कराने आए उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया समझने में काफी कारगर साबित हो रहा है। देखिए, हमारा जो मुद्दा है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो मुद्दा है, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, 6 मुद्दों के साथ हम बिहार के चुनाव में आए हैं, जनता के बीच आए हैं। सुल्तानगंज की जो समस्या है वह दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। 15 वर्षों की सरकार में सुल्तानगंज जहां पहले खड़ा था, सुल्तानगंज आज वहीं खड़ा है। करोड़ों खर्च के बाद भी सबौर से मिर्जा चौकी के बीच बनी NH80 की स्थिति दयनीय बनी हुई है। प्रतिदिन जर्जर सड़क पर चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही NH पर चलने वाले वाहनों के कलपुर्जे भी ढीले हो रहे हैं। वहीं इस सड़क पर यात्रियों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लग रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विभाग और ठेकेदार के लिए यह सड़क कामधेनु बन गई है। 60 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण में 3 साल में 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन 2 साल में ही सड़क ने दम तोड़ दिया और अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर NH80 का मामला गर्मा गया है। वहीं मंगलवार को NH80 मरम्मती को लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने अपने कार्यालय में वरीय पदाधिकारी, NH के कार्यपालक अभियंता एवं जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक के दौरान भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने DM को समस्या से अवगत कराते हुए मरम्मती कार्य में सहयोग करने की बात कही। साथ ही NH80 की मरम्मती किए जाने तक रूट डायवर्ट करने की मांग की। बैठक में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह एवं महासचिव श्वेत कमल ने अधिकारियों को कई सुझाव देते हुए लोडेड और खाली वाहनों के लिए रूट चार्ट भी सौंपा। वहीं जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने NH मरम्मती का कार्य जल्द पूरा करवाने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और बताया कि 10 अक्टूबर से NH मरम्मती का कार्य शुरू हो जाएगा, जो 17 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच NH पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। बैठक में SSP आशीष भारती, सदर SDO आशीष नारायण, DTO फिरोज अख्तर, ट्रैफिक DSP RK झा एवं अभियंता मनोरंजन झा मौजूद थे। NH में इन बरसात के दिनों में कई जगह पर सड़क खराब होने की शिकायत है और कई जगह पर सड़क खराब हुई है और अभी सड़क को ठीक किया जाना आवश्यक है। इसको लेकर के आज एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सड़क को कम से कम मोटरेबल बनाने के लिए निर्णय लिया गया है और उसके लिए 10 तारीख से 17 तारीख तक NH को ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा, बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH को डायरेक्शन दिया गया है कि कंसर्न जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में पूरे NH को
यहाँ से लेकर के शहर से लेकर के फिर पैंती तक पूरी तरह से मोटरेबल बनाया जाए। देखिए यह बैठक जो था, ट्रक मालिकों का जो लगातार समस्याएं ट्रक चलने में हो रही है, उसी को लेकर यह बैठक था कि NH80 कैसे बनेंगे। तो उस पर निर्णय यही हुआ कि NH80 बनाने के लिए जब तक पूरी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा तो ये NH80 पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होगा। तो जिला पदाधिकारी महोदय का कहना हुआ कि ठेकेदार, संवेदक और स्कूटी यह 5 गो पाली बना लें, मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया जाएगा और सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त करके ही रोड को खोला जाएगा। तो उसके लिए 10 तारीख के सुबह, इसके लिए 10 तारीख का सुबह और 17 तारीख के सुबह तक यह रोड में ट्रैक्टर और भारी गाड़ी में ट्रक नहीं चलेंगे, बाकी छोटी गाड़ी चलेगी। भागलपुर प्रक्षेत्र DIG सुजीत कुमार मंगलवार को SSP कार्यालय पहुंचे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर SSP आशीष भारती समेत जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में DIG ने भागलपुर में 2 चरण में होने वाले चुनाव के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने और चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही लंबित कांडों के निपटारे के अलावा वारंटियों की गिरफ्तारी और संदिग्धों पर नजर रखने का निर्देश अधिकारियों और सभी थानाध्यक्षों को दिया। वहीं SSP आशीष भारती ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों एवं अपराधियों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी DIG सुजीत कुमार को दिया। भागलपुर मद निषेध विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को टीम ने कार्रवाई करते हुए जगदीशपुर सन्होला मोड़ के समीप चेकिंग के दौरान नाकेबंदी कर 33 ड्रम स्प्रिट लदा मिनी ट्रक जब्त किया है। मद निषेध विभाग की टीम ने मिनी ट्रक के साथ ड्राइवर रोहित कुमार और खलासी अमित कुमार को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के बाद देवरा निवासी खलासी ने बताया कि स्प्रिट लोडेड ट्रक मालदा से भागलपुर पहुंचाने भेजा गया था और ट्रक का मालिक मालदा निवासी मोहित शर्मा है। फिलहाल टीम हिरासत में लिए गए चालक और खलासी से पूछताछ कर रही है। प्रभारी अधीक्षक चंदन कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मद निषेध विभाग की टीम जानवी चौक से सन्होला मोड़ तक गश्ती करती रहती है और इसी दौरान स्प्रिट से भरा ड्राम भारी मात्रा में बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रही बड़ी खेप के प्रत्येक ड्राम में 220 लीटर स्प्रिट है। साथ ही कहा कि स्प्रिट की ड्राम अनाज के बोरे के बीच छुपा कर रखी गई थी। चुनाव को लेकर तस्करों द्वारा स्प्रिट से शराब बनाकर खपाने की तैयारी थी, जो पुलिस ने नाकाम कर दिया। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्येक दिन टीम बना कर करके छापामारी, वाहन गश्ती और जो भी झारखंड की सीमा से सटे हुए इलाके हैं जिधर से ट्रांसपोर्टेशन की शराब की या शराब से संबंधित खेप आने की रहती है, तो डेली हमारी टीम जो बट करके नाका लगाती है। इसी दौरान आज भी जो है हमारी टीम जो है जहानवी चौक से लेकर करके सन्होला मोड़ तक जो है पूरी सब जगह नाका लगाए हुए थे। इसी दरमियान वाहनों की चेकिंग के दरमियान एक हरियाणा नंबर की जो है एक मिनी ट्रक जो है वो सन्होला मोड़ पर रोक कर चेक किया गया, तो वो बोरों के बीच में जो छिपा कर करके 33 ड्रम जो है जिसमें प्रत्येक ड्रम में लगभग 220 लीटर स्प्रिट है ये लेके ये लोग जा रहे थे। जो इनका कहना था ये लोग इसको भागलपुर इनको आने के लिए कहा गया था। ये कंसाइनमेंट जो है ये मालदा से भागलपुर के लिए आई थी। अब यहाँ पर इसको कौन आदमी लेता और कहाँ ले जाता इसकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। बांका रजौन प्रखंड क्षेत्र में अजीत नगर पहाड़ी के समीप सोमवार को बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि वो झारखंड से बांस लेकर फुल्ली डूमर गया था, जहां बांस की डिलीवरी कर वापस गांव लौट रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर बांस व्यवसायी को जख्मी कर दिया और 48,200 रुपये लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गया। घटना के बाद धोरैया थाना अंतर्गत कुशमी गांव निवासी बांस व्यवसायी ऋतुराज को परिजनों द्वारा इलाज के लिए रजौन स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। अपराधियों ने ऋतुराज के पैर में गोली मारी है, जिसमें उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। साथ ही व्यवसायी का वाहन चालक फंटूस भी घटना में घायल हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ऋतुराज के चाचा से नकाबपोश अपराधियों ने लगभग 40,000 रुपये इसी रास्ते पर लूटे थे। घटना की जानकारी मिलते ही रजौन थाना पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और व्यवसायी एवं चालक फंटूस यादव का बयान दर्ज कर विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में एक डीलर द्वारा कम अनाज देने को लेकर लाभुकों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मंगलवार को वार्ड संख्या 8 के लाभुकों ने डीलर इंद्रदेव शाह पर कम अनाज देने का आरोप लगाते हुए करीब आधे घंटे तक उनके घर के सामने हंगामा किया। लाभुकों ने कहा कि दूसरे डीलर 2 किलो चना दे रहे हैं, जबकि यहां पर डीलर मनमानी करते हुए 1 किलो चना कम दे रहे हैं। साथ ही लोगों ने डीलर इंद्रदेव शाह पर बराबर कम अनाज देने का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर प्रभारी एमओ लोकेश ठाकुर ने बताया कि सितंबर महीने में 1 किलो ही चना लाभुकों को देना है। जो है हमको दिया 2 किलो, हम मांगे सबको दे रहा था 2 किलो, वो भी नहीं दे रहा था, 1 किलो दे रहा था। हम गमाओ का 2 किलो देने लगा। कहाँ मिले? यही बगले में। बेटा वो 1 किलो दिए, अपना ना दिया समूचा कंट्रोल 2 किलो दे रहे हैं। ये हर जगह हर डीलर जो है चना 2 किलो दे रहा है, और इसके लिए अगले बार भी हम लोग को 1 किलो दिया था, मगर 1 किलो भी घर में जाके नापे हैं तो 800 ग्राम हुआ है। आएगा और तो और दिया जाएगा, नहीं आएगा तो कहाँ से देगा ग्राहक? क्या कहते हैं डीलर अपने घर से नहीं है, सबको नहीं मिला। हमारा जो कंप्यूटर दे रहा है सबको दे दिए। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड दरियापुर पंचायत में ग्रामीण बैंक और पंचायत भवन में चोरों ने दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर शाखा प्रबंधक अरविंद वर्मा ने बताया कि मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने फोन कर बैंक में चोरी होने की सूचना दी। शाखा प्रबंधक ने कहा कि पंचायत भवन का दरवाजा तोड़कर चोरों ने बैंक में प्रवेश किया
और कंप्यूटर तथा कैश काउंटर में तोड़फोड़ कर जो सामान ले जाने लायक थे उसे अपने साथ ले गया। वहीं पंचायत के मुखिया आलोक कुमार ने बताया कि उनके ऑफिस का ताला तोड़कर भी चोरी करने की कोशिश की गई है। इधर घटना की जानकारी सजौर थाना को देने के बाद थाना प्रभारी दलबल के साथ बैंक पहुंचे और छानबीन कर एक युवक को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ के दौरान 6 सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकारी। फिलहाल पुलिस उनके सहयोगियों का पता लगाने में जुटी है। क्षति का जायजा तो अभी लेना शुरू किए हम लोग। खबर मिलने के बाद हम आए तो देखे बाहर से सारा ताला टूटा हुआ है और अंदर सारा मॉनिटर वगैरह नहीं नजर आ रहा है, लेके चले गए हम लोग। जब सुबह हमको फोन गया यहाँ से कि आपका पंचायत भवन का दरवाजा टूटा हुआ है, बगल का और भी जल्दी टूटा हुआ है, फिर 2 मिनट के बाद फोन आया कि बैंक भी टूटा हुआ है। फिर मैंने आए तो अपना सारा सामान देखने लगे तो इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, गोदरेज टूटा हुआ देखे। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह शहबाजिया में 3 दिवसीय उर्स का समापन मंगलवार को हो गया। उर्स के अंतिम दिन जायरीनों ने मजार शरीफ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फातिहा पढ़ा और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए खानकाह से जुड़े सदस्यों ने सीमित संख्या में ही लोगों को दरगाह परिसर में जाने की अनुमति दी। वहीं हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के 393वां उर्स के अंतिम दिन खानकाह परिसर स्थित शाहजंगी मस्जिद में कुरान खानी एवं फातिहा खानी का आयोजन किया गया। इस दौरान सज्जादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने मुरीद और श्रद्धालुओं से भीड़ नहीं लगाने की अपील की, साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निजात के लिए विशेष दुआ की। वहीं उलेमा और आम लोगों ने भी आस्था के प्रतीक हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी की दरगाह पर जाकर विश्व में शांति की दुआ मांगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर समाहरणालय के समीप एक होटल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हुए जहां केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकास करने की बात कही, वहीं कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से चली आ रही विक्रमशिला समानांतर सेतु की मांग को पूरा करते हुए शिलान्यास किया है, जिससे भागलपुर समेत कई जिले के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी, साथ ही जाम से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई कार्य किए गए हैं और किसानों के हित में योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए युवाओं एवं जरूरतमंदों को सरकार की पहल पर बैंक द्वारा ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी के 15 वर्षों के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए अपराध और भयमुक्त बिहार बनाने की बात कही। मौके पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, इंदु भूषण झा, आलोक सिंह बंटू, पंकज सिंह, अभिनव कुमार समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस समय में लोगों का जीना मुश्किल था और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिहार की जनता के विकास के साथ एनडीए खड़ा है, बिहार की जनता के प्रगति के साथ एनडीए खड़ा है। कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसके खाते में कम से कम 4,000 रुपया नहीं गया है। गरीबों के को अनाज दिया गया और क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर है उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की गई और इसलिए हम बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं। भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में विधानसभा चुनाव एवं आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने की। इस दौरान मूर्ति नहीं स्थापित करने का निर्देश दिया गया, साथ ही पंडाल के निर्माण एवं मेला पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। वहीं पूजा के दौरान सिर्फ कलश की स्थापना की जाएगी। बैठक में भैरव यादव, घनश्याम मंडल, भारती भूषण झा समेत कई लोग उपस्थित थे। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीरपैंती में पुलिस और अर्धसैनिक बल के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पीरपैंती थाना प्रभारी एवं बाराहाट ऋषिपुर थाना के संयुक्त नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च शेरमारी चौक से होते हुए जगदीशपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा और चुनाव में शांति कायम रखने एवं कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान अर्धसैनिक बल के पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा, 4 ने कटाई एनआर रशीद। डीएम प्रणब कुमार ने ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 10 अक्टूबर से शुरू होगा NHSC का मरम्मति कार्य। चुनाव को लेकर DIG सुजीत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश।
मद निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब बनाने के लिए मंगाई गई भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद, दो गिरफ्तार। और पुलिस की सख्ती के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद, बांस व्यवसायी को गोली मारकर लूटे रुपए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।